फ्रेंड्स, वेलकम ऑल बैक टू माय चैनल। तो जो जो मेरे चैनल पे नए हो वो जल्दी से वो रेड कलर का बटन ऑन कर दो ताकि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सको और मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा पहुंचे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का इस वीडियो पे मैं शेयर करूंगी मेरा ये ह्यूज मेकअप कलेक्शन, जिसको मैं शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है शेयर करने के लिए, तो यहाँ पे मेरा जो ह्यूज मेकअप कलेक्शन है मैं शेयर करूंगी कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज करूंगी। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे अब नहीं चाहिए, बहुत दिन से मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मैं उसको हटा भी दूंगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले मैं एक बात बोल दूं, एक समय था जब मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था, तो उसका एक रीजन था कि मैं ना ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज भी नहीं करती थी और मैं परचेज भी नहीं करती थी मेकअप। बट आज की डेट पे मेरे पास इतना सारा मेकअप आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मैं ये सारा मेकअप को रखी हुई थी अपने पास, और मैं रिसेंटली 7000 का मेकअप को भी परचेज की थी, तो वो सारा शुगर ब्रांड का था। तो मैं इस वीडियो पे वो भी शेयर करूंगी कि वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है। सो या आई नो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे हाथों पे जो आ रहा है ना, मैं वो दिखाते जा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट को ढूंढना फिर दिखाना, क्योंकि देख सकते हो ये किस तरीके से मैसी हुआ है, तो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। तो डेफिनेटली वैसे तो ये मेरे को, ये हम लोगों को मेकअप करने के बाद चाहिए होता है, बट क्योंकि ये मेरे हाथ के सामने था तो मैं सबसे पहले इसको दिखा दी। ये है जिसको मैं यूज करती हूँ और ये मेरा रिसेंट परचेस था, मैं रिसेंटली इसको खरीदी थी। ये है गार्नियर का माइसेलर वाटर। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बोल रही हूँ, आई नो हर लड़की को पता है इसके बारे में। तो ये गार्नियर माइसेलर वाटर मोस्टली उसके लिए होता है जब हमको मेकअप रिमूव करना है उस वक्त। तो जब भी मुझे मेकअप के बाद मेकअप को रिमूव करना होता है तो मैं इसी का यूज करती हूँ, और डेफिनेटली उसके साथ ये कॉटन पैड्स, ताकि इस पे मैं डिप करके मेरा जो मेकअप है वो रिमूव कर पाऊँ। अभी मैं मेरे फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप है तो मैं उसको इसी से रिमूव करूंगी। तो या गार्नियर माइसेलर वाटर और उसके साथ है ये कॉटन पैड। तो ये एक सामान हो गया, और उसके बाद चलो अभी आई मेकअप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ली थी ये, आई थिंक ये मेबेलिन का ही था, नहीं हीला या रोड, ये मैं बाहर से खरीदी थी, ये मेरा बहुत पुराना परचेज है। तो ये है एक आईब्रो पैलेट। तो मुझे उतना मेकअप करना नहीं आता, बट हाँ मुझे नॉलेज हो गया है जो कि मुझे एट ए टाइम था नहीं। तो यहाँ पे तीन शेड्स दिया गया है, देख सकते हो, एक ब्राउन पे है, एक ब्लैक पे और एक लाइट सा ब्राउन कलर है। तो इससे आप आपका जो ये आईब्रो है उसको डेफिनेटली आप फिल कर सकते हो, या थोड़ा सा अगर हाईलाइटेड करना हो पार्टी वियर के लिए, पार्टी फंक्शन पे जाने के लिए, तो ये आईब्रो जरूर काम आएगा, आईब्रो पैलेट, आईब्रो शेड पैलेट। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा एक परचेज है जिसको मैं यूज करती थी। और हाँ, यहाँ पे एक और है, ये मैं बहुत, ये मेरा आई थिंक मैं उस वक्त क्लास 10 में थी जब मैं इसको खरीदी थी। ये मेरा मेबेलिन का आई शेडो पैलेट है जो मैं इसको परचेज की थी। तो मेरा ना ये आई शेडो कम फेस हाइलाइटर पैलेट दोनों था। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ यहाँ पे कितना सारा कलर्स था। यहाँ पे देखो गोल्डन कलर, उसके बाद एक गोल्ड कलर, फिर पिंकिश गोल्ड, ब्लैक का, ये ब्लैक कलर को मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी अगर मुझे आईब्रो के लिए कुछ ब्लैक सा आईब्रो चाहिए होता तो यहाँ पे मैं इसको जरूर से जरूर यूज करती थी। तो ये भी ना मेरा बहुत ज्यादा पुराना परचेज था, बट फिर भी मैं इसको बहुत संभाल के रखी थी। अभी उसके बाद मैं दिखाती हूँ और क्या है। हाँ, ये हुडा ब्यूटी का भी आई शेडो पैलेट मैं ली थी अराउंड जब मैं क्लास 12 में थी। तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पास, क्योंकि ये था उस वक्त और मुझे लगा कि कुछ अच्छा सा चाहिए थोड़ा ज्यादा कलर वाला, तो मैं उस वक्त ये ले ली थी अपने लिए, ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इसका प्राइस बहुत कम था, मुझे उस वक्त 250 या 200 का ही पड़ा था, बट हाँ इसमें बहुत सारा कलर अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली, मैं इसको अभी भी यूज करती हूँ, मुझे अगर कुछ यूनिक सा कलर चाहिए हो तो यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का शेड्स है। तो मैं इसको अभी भी रखूंगी डेफिनेटली, ये भी मेरा वेस्ट प्रोडक्ट पे नहीं जाने वाला। तो अभी चलते हैं उसके बाद। तो उसके बाद ना मैं ली थी ये शुगर का एक 3-in-1 पैलेट, जिसपे आपका कॉन्टोर, हाईलाइटर और ब्लश तीनों एक साथ मिलने वाला था। तो मेरा शेड था अराउंड 01। हाँ,
तो मैं ये वाला ली थी, तो ये तो मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि ये ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे लिटरली इसका जो शेड था, इसका जो टेक्सचर था, इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करने लगी मेरा कोई भी मेकअप लुक पे। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये पूरा खत्म हो गया है, बट अभी भी थोड़ा बहुत शेड बाकी है, तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा ब्लश लेके दिखा रही हूँ। तो मुझे ना इसका जो शेड है वो सच में बहुत पसंद आया। एक स्ट्रोक पे ही बहुत अच्छा एक कलर आता था ब्लश का, हाइलाइटर का। इसका कॉन्टूर पैलेट भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सा एक शेड आता था, आप देख सकते हो। लेकिन ये अभी खत्म हो गया है, तो आई थिंक अभी मेरा कोई काम का है नहीं, तो अब मैं इसको हटाने वाली हूँ, देख सकते हो। तो चलो इसके साथ अब हम दूसरा दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेसी है। तो यहाँ पे ये दो ऐसे ही डब्बा पड़ा है, तो इसको भी मैं यही हटाने वाली हूँ। तो हाँ, इसके अब इसके बाद आते हैं फाउंडेशन का। तो ये मेरा फिटमी का शेड 230 फाउंडेशन था जो मैं यूज करती थी। ये भी मेरा बहुत पुराना परचेज है, बट ये भी बहुत अच्छा था। इसका भी शेड ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था, बट ये थोड़ा हैवी था। लाइक कोई भी अगर पार्टी फंक्शन पे जाना हो तो भी तभी मैं इसको यूज करती थी। तो ये बहुत अच्छा सा एक कवरेज देता था आपके फेस पे। तो लेकिन मैं अभी दूसरा कुछ यूज करती हूँ, तो मुझे इसका जरूरत अभी है नहीं, तो डेफिनेटली मैं अभी इसको हटाने वाली हूँ। हाँ, इसके रिप्लेसमेंट में मैं क्या खरीदी हूँ वो मैं जरूर दिखाऊंगी अभी। तो हाँ चलो, ये मेरे हाथ के पास ही आ गया, तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो मैं ली थी ना, ये फाउंडेशन, तो इसके रिप्लेस में मैं ये वाला ली हूँ शुगर का, विच इज माई फेवरेट। मतलब ये मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसको प्यार करती हूँ। मुझे कहीं पे भी जाना होता है, कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो गया या कोई शादी वादी में जाना हो, मैं इसी को यूज करती हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा है ना। मतलब सबसे पहला चीज, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, उसके बाद ट्रेवल फ्रेंडली है, और उसके बाद इसका जो आपका एप्लीकेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे देख लो, जो फाउंडेशन है वो स्टिक और क्रीमी फॉर्म पे है, तो डेफिनेटली ये आपके स्किन पे बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। और इसका एक और अच्छा बात पता है मुझे क्या लगा, जो था इसका ये ब्रश, क्योंकि आप इसको ऐसे अप्लाई करो, मैं आप एक बार दिखा देती हूँ, ऐसे एक बार आप इसको अप्लाई करो, और इसी के साथ दैनंदिन हमको क्या होता है ना कि फाउंडेशन के साथ एक अलग से ब्रश को भी कैरी करना पड़ता है, बट इसमें वो कोई झमेला नहीं है। बस इसके साथ आप इसको ऐसे मिक्स कर दो, और ये बहुत इजी टू कैरी है। तो मेरा ना ये फेवरेट हो गया है एट दिस टाइम, मेरा करंट फेवरेट। तो मैं यहाँ इसको रखने वाली हूँ अपने पास। चलो अभी बहुत सारा है, तो एक एक करके जल्दी जल्दी दिखाते हैं। ये तो डब्बा है, बट इसका प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं दिखा रही हूँ। हाँ, इसको मैं डेफिनेटली मेरा रेटिंग में एकदम 1% दूंगी। एकदम बेकार प्रोडक्ट है, जो मैं ऑनलाइन से ली थी, वो भी 11-12 का ही टाइम था जब मैं इसको बहुत पहले लिया की थी। ये मार्क्स का था, ये माउस फाउंडेशन, बट ये इतना बेकार कवरेज मुझे देता था ना, आप देख सकते हो। मतलब एकदम अजीब सा एक कलर आता था, देख लो, एक अजीब सा कलर। मतलब इसको यूज करने के साथ ऐसा हो लगता था ना कि आप स्किन पे कुछ ऐसा ही अप्लाई कर दिया हो, जो मेकअप मेकअप की तरह नहीं लग रहा है, लग रहा है कुछ हैवी है। तो मैं बहुत पहले से ही सोच के रखी थी कि इसको बहुत जल्दी फेंकना है, तो अभी देख लो ऐसा एक अजीब सा कलर। तो मैं डेफिनेटली इसको हटाने वाली हूँ। तो चलो अब दिखाते हैं ये वाला प्रोडक्ट। इससे भी मुझे एक अलग सा प्यार हो गया था, बट ये अभी खत्म हो गया है। वो है लैक्मे का एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडिएंट कॉम्पैक्ट। तो ये ना मम्मी यूज करती थी, तो मैं मम्मी और मेरी मामी वगैरह इन लोगों को देख के ये खरीदी थी। तो ये भी मुझे बहुत पसंद था, मैं कोई भी फाउंडेशन के ऊपर इसको अप्लाई करती थी, जस्ट फॉर सेटिंग द फाउंडेशन। तो इसका तो देख ही सकते हो पूरा बिस्किट जैसा बन गया है, पूरा टूट गया है। बट हाँ, अगर मुझे लेना हो तो मैं डेफिनेटली इसको नेक्स्ट टाइम जरूर लूंगी। अभी तो ये खत्म है, तो मैं इसको भी फेंकने वाली हूँ। चलो अब दिखाते हैं, ये भी है एक ब्लश। ये मैं ली थी मेरे घर के पास वाले एक दुकान से, तो ये मेरा ऑफलाइन परचेज था। बट ये ना मैं इसको ये तो नहीं बोल सकती कि ये बेकार है, बट ये लोकली प्रोडक्ट था जो मैं ली थी, बट अच्छा है। मतलब कोई भी अगर आप जीन्स या टॉप के साथ एक लाइट सा मेकअप करो, और आपको ब्लश एकदम पिंकिश पे चाहिए, थोड़ा लाइट पे, लाइट पिंकिश, तो ये आप यूज कर सकते हो। मैं भी इसको यूज करती थी इस तरीके से, मतलब मेरे को ये पसंद आता था। कोई भी जीन्स टॉप के साथ मैं ये ब्लश को यूज करती थी, या फिर कोई भी लाइट कलर का अगर ड्रेस होता था मेरा, उसके साथ मैं ये ब्लश को जरूर यूज करती थी। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगी, और इसको भी मैं रखने वाली हूँ अपने पास।
तो अभी दिखाते हैं प्राइमर। हाँ ये ना मैं मिंत्रा से ऑर्डर की थी। ये भी मेरा बहुत पुराना, क्योंकि ना मैं हर एक वीडियो पे बोल रही हूँ ना मेरा बहुत पुराना मेकअप है। मैं 10th क्लास 10th पे ली थी, 12th पे ली थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त मैं लेके रख दी थी, बट मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती थी। मैं रिसेंटली मेकअप के बारे में मुझे इतना ज्यादा नॉलेज हुआ और मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दी। एक समय था जब मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे लिए मेकअप का मतलब सिर्फ होता था थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा लिपस्टिक। तो उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था। तो जब मैं लेके रखी थी ना, उस वक्त भी मुझे इसको अप्लाई करना नहीं आता था, तो सब ये रखा ही रहता था। तो मैं रिसेंटली अब मुझे आता है तो मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये वाला भी मैं अभी यूज करती हूँ, बट ये मेरा बहुत पुराना परचेज है जो है कोलुबार का प्राइमर। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बोल रही हूँ, प्राइमर हमारे स्किन पे ना कोई भी मेकअप को करने के पहले अगर आप इसको यूज करो, तो प्राइमर से क्या होता है आपका जो स्किन है वो मेकअप जो है ना वो बहुत अच्छे से बैठा रहेगा। मतलब मेकअप जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होगा स्किन पे, या फिर जो स्वेटिंग के कारण मेकअप जो गल जाता है प्राइमर वो नहीं होने देगा। प्राइमर मेकअप को आपके फेस पे बहुत अच्छे से होल्ड रखेगा। हाँ मैं घर पे क्या करती थी ना, हम लोग भी करते हैं घर पे, कि कोई भी मेकअप करने के पहले बर्फ लगा लिया करते थे। तो ये होम रेमेडीज है, ये बोलना इस वीडियो पे कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ घर पे भी अगर आप कभी भी मेकअप करो, और अगर आपको मन है कि आप प्राइमर यूज ना करो या फिर आपके पास प्राइमर नहीं है, तो आप अगर बर्फ को भी अप्लाई कर लो फाउंडेशन लगाने के पहले, तो भी आपका ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन मेरे पास प्राइमर है तो मैं प्राइमर ही यूज करती हूँ। तो चलो अब दूसरा वाला दिखाते हैं। ये लोटस का मेरा फाउंडेशन है, और ट्रस्ट भी मैंने ये चोरी की हूँ। तो मैं ये मेरी मम्मी के मेकअप कलेक्शन से मैं इसको चुरा के लाई थी, क्योंकि मुझे ये पसंद आया था उस वक्त। ये बहुत अच्छा कवरेज देता था मेरे स्किन पे, और मेरी मम्मी यूज करती है ज्यादातर लोटस का प्रोडक्ट। तो मैं उस वक्त मम्मी कुछ काम कर रही थी और मुझे आना था, तो मैं क्या कि चुरा के लेके आ गई। बट ये अभी खत्म हो गया है। तो हाँ बट ये भी मैं रिकमेंड करूंगी, लोटस का फाउंडेशन मेरा शेड। हाँ इस पे SPF भी था जो आपको सनस्क्रीन का भी थोड़ा सा काम देगा, एज अ सनस्क्रीन आप इसको मेकअप होता है ना, मेकअप के पहले सनस्क्रीन यूज करना होता है, बट इस पे वो नहीं करना होता था। तो मुझे इसका अच्छा कवरेज मिलता था। और ये आई थिंक शेड नंबर तो यहाँ मेंशन नहीं है, बट हाँ ये लोटस का मेरे को, आप अपने शेड के हिसाब से डेफिनेटली ले सकते हो। तो मैं लोटस का भी फाउंडेशन को जरूर रिकमेंड करूंगी। मैं ना इस ये वाला जो मैं बॉक्स उठा रही हूँ, मेरा सारा पुराना मेकअप है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई नो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। बट हाँ ये 3 बॉक्सेस में मेरा बहुत सारा न्यू न्यू मेकअप है, तो मैं जब वो दिखाऊंगी ना तो और भी अच्छा होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरा कंसीलर जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अभी भी है बहुत सारा, बट मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करती। तो ये है मेरा इसका कंसीलर मेबिलिन का। तो कंसीलर क्या होता है कि आपको जब भी आप अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करो, तो जो भी टारगेटेड एरिया होता है ना जहाँ पे आपका पिगमेंटेशन ज्यादा है, जैसे कि आईब्रो हो गया या लिप्स के पास हो गया, या फिर आपका आप बोल सकते हो आंखों के ऊपर जो डार्क सर्कल्स होता है वहां पे, तो आप उस वक्त ना कंसील कर सकते हो उस जगह को, वहां का पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। तो कंसीलर का यही मेन काम है। तो मैं इसको उस वक्त यूज करती थी, तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगी, अच्छा है। तो चलो अभी एक हाईलाइटर दिखा देते हैं जो है मार्स का। ये मैं लोकल परचेज था मेरा, तो ये भी मुझे ना अच्छा सा एक मेरे फेस पे ग्लोई ग्लोई सा हाईलाइट देता था, तो एकदम लाइट सा ग्लास फॉर्म पे, तो मुझे ये पसंद आता था उस बार, तो मैं इसलिए इसको यूज करती थी। चलो अब ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी। तो उसके बाद चलो ये भी एक कंसीलर है, ये मैं रिसेंटली थी, ये आई थिंक HD, हाँ HD नाम का लोकल ही है। तो ये भी बट अच्छा है, मतलब यूज करने के लिए एक अच्छा सा लिक्विड कंसीलर है, तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूंगी। इसका ब्रांड का नाम है HD। तो यहाँ पे भी ये है मेरा एक हाइलाइटर का छोटा सा पैलेट, ये देख ही सकते हो इसका पैकेजिंग की बहुत पुराना है। तो मैं बहुत जब छोटी थी ना तभी मैं इसको ली थी, बट मैं यूज नहीं करती थी, सामने से देख लो, क्योंकि डेफिनेटली मुझे मेकअप करना नहीं आता था, मैं बस लेके रख देती थी अपने पास। और अभी मैं दिखाती हूँ और क्या है मेरे पास। तो चलो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये ना वेट एंड वाइल्ड का मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये है आपका हाइलाइटर। तो ये इसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो बट ये अच्छा है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। तो ये ना पूरा गल गया है, तो अभी मैं इसको यूज नहीं करने वाली, बट इसको रिकमेंड जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो है ना आपका जो
हाइलाइटिंग का जो है वो अच्छा आपके फेस पे हाइलाइट देता है, तो ये आप चाहो तो यूज कर सकते हो। अभी एक दूसरा हाइलाइटर भी आ गया मेरे हाथ के पास, तो मैं अभी इसको दिखा देती हूँ। ये मैं ली थी नायका से, ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट मैं बोल सकती हूँ, आप इसको ले सकते हो। बहुत अच्छा सा एक लिक्विड हाइलाइटर है, जो मतलब कोई भी अगर आपको नाइट पे अगर कोई वेडिंग पार्टी या कोई भी फंक्शन पे जाना हो तब आप इसको डेफिनेटली यूज करो। लाइट के ऊपर जो ये हाइलाइटिंग का जो ग्लो आएगा ना आपके फेस पे, बहुत ही ज्यादा गजब दिखने वाले हो, तो डेफिनेटली इसको यूज किया करो। ये स्टोर बी एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर नायका से मैं ली थी। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था, मुझे अराउंड इसका प्राइस 799 पड़ा था, बट मैं फिर भी इसको ली थी और मुझे उस वक्त थोड़ा मेकअप थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया था, तो मैं इसको यूज भी करती थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा है। चलो इसी के साथ मेरा हो जाता है ये वाला बॉक्स का सारा मेकअप कंप्लीट, मैं इसको भी हटा देती हूँ। और अब मैं दिखाऊंगी कि मैं 8000 का रिसेंटली, मेरा 8 या 7 आई थिंक, दोनों में से कोई एक ही था, बट हाँ जो मैं ली थी मेकअप शुगर का ही था सारा, उसके बाहर मैं कुछ भी नहीं ली थी, तो मैं अभी दिखाती हूँ वो क्या क्या था। मुझे पता है बहुत ज्यादा महंगा है 7000 का मेकअप लेना, बट हाँ मुझे अभी जरूरत पड़ता है क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी, या फिर अब मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी चीज ना लाइक थोड़ा सा जो आपको सूट करे आप वो यूज करो, तो मुझे पर्सनली शुगर का ब्रांड हर एक अच्छा पसंद आ जाता है, मेरे स्किन पे भी अच्छा जाता है। तो मैं अभी बताती हूँ एक एक करके कि वो शुगर का क्या क्या था जो 7000 मुझे देने पड़े, मेरा पूरा जेब खाली हो गया मेकअप खरीदने के चक्कर पे, बट फिर भी आई एम हैप्पी कि मेकअप ही है, क्योंकि अब मुझे मेकअप से प्यार हो गया है, मुझे मेकअप करना भी बहुत पसंद आता है और मैं सीख भी गई हूँ। तो चलो अब दिखाते हैं वो क्या क्या था। तो सबसे पहले मेरे हाथ पे है ये शुगर का, दैट इज ये शुगर का बनाना लूज पाउडर, मेरे एक ब्लॉग पे मैं इसको शेयर भी की थी, बहुत अच्छा पाउडर है ट्रस्ट मी। ये फाउंडेशन के बाद आप इसको यूज कर सकते हो एज लाइक आपको फॉर सेटिंग योर फेस। यहाँ पे एक छोटू सा आपको ये मिलेगा एप्लीकेटर, जिसके सहारे आप ये पाउडर को ऐसे ये यूज मतलब पाउडर को निकाल के आप अपने फेस पे इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, इसका कवरेज भी बहुत अच्छा देता है और इसके साथ ये एप्लीकेटर के साथ आपकी स्किन पे ये पाउडर बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है और प्रोडक्ट वेस्ट होने का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से ये पैकेजिंग हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा है, मोस्टली रिकमेंडेड। और इसका प्राइस तो मुझे सब याद ही, हाँ 749 पड़ा मुझे इसका प्राइस, ये एक पाउडर का प्राइस करीबन 800 के आसपास, तो आप सोच लो कि कितना महंगा है। चलो अब मैं दूसरा दिखाती हूँ। तो ये मैं ली थी शुगर का ही बीबी क्रीम। चलो अब बताते हैं छोटा सा एकदम शॉर्ट में कि बीबी क्रीम का काम क्या होता है। एज पर माय नॉलेज बीबी क्रीम वो है जो आपको लाइक फाउंडेशन वगैरह थोड़ा हैवी हो जाता है, बट अगर आपको थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करना हो, ज्यादा हैवी नहीं करना, तो आप बीबी क्रीम को जरूर यूज कर सकते हो। एकदम लाइट सा आपको एक शेड भी आएगा आपकी कम्प्लेक्शन के ऊपर और एक हल्का सा ग्लोई वाला भी वो दिखेगा आपके फेस पे, और क्योंकि इस पे SPF भी होता है तो ये आपको सन टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं ये बीबी क्रीम को भी ली थी, जिसका प्राइस मुझे अराउंड पड़ा था अराउंड ये भी 800 का था, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ मुझे उस वक्त देने पर इतना पैसा तो मैं क्या ही बोलूं, ये भी 800 का था जो मैं ली थी। चलो इसी के साथ दिखाते हैं दूसरा प्रोडक्ट, ये वो बीबी क्रीम का ही डब्बा है जिसको मैं हटा रही हूँ, तो ये भी सब शुगर का ही है बट मैं दिखा रही हूँ। चलो अभी दिखाते हैं ये शुगर का, अब देख के समझ ही गए होंगे। हाँ काजल, ट्रस्ट मी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना खुद का ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। मैं सजेस्ट करूंगी कि शुगर का काजल को ही यूज करो एक स्ट्रोक में, मैं अभी शुगर का काजल को ही अप्लाई करके ये वीडियो बना रही हूँ। एक स्ट्रोक में इतना अच्छा सा आपको एक कवरेज देगा, इतना एक ही स्ट्रोक में इतना अच्छा आपका जो शेड है ना ब्लैक पूरा चारकोल कलर का शेड है, तो बहुत अच्छा है, मतलब दो तीन स्ट्रोक आपको मारने भी नहीं पड़ेंगे, ये मेरा गारंटी है आपसे, इतना अच्छा है। तो अभी मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो ये है वो काजल, मैं थोड़ा यूज कर ली हूँ, तो इसको देखो मैं दिखा रही हूँ कितना डीप सा कलर आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, आंखों पे यूज करने पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और इसके साथ मुझे फ्री में मिला था इसका एक शार्पनर, तो अच्छा है। इसका भी मैं प्राइस बताती हूँ कितना पड़ा मुझे फिलहाल, हाँ
525, तो इसका भी प्राइस था मतलब वो 600 के आसपास आप पकड़ लो। कुछ डिस्काउंट नहीं मिला था क्योंकि मैं सारा ऑफलाइन परचेस की थी, बट हाँ मुझे लेना था तो मैं ले ली। और मैं तो चलो अभी शेयर करते हैं दूसरा प्रोडक्ट। ये मैं अभी तक इसको यूज नहीं की हूँ तो मैं दिखा देती हूँ ये क्या था। आई थिंक ओ हाँ, ये मैं शुगर का ही है, क्वेंच का ही, शुगर का नहीं है। सनस्क्रीन लिए थे, ये इस वीडियो पे कोई काम का नहीं है, बट ये मेकअप एक्सेसरीज के अंदर ही था तो ये भी अच्छा था। मैं इसको दो तीन बार यूज की थी, बट ये क्वेंच का सनस्क्रीन है। मैं किसी दिन मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट के ब्लॉग पे इसको जरूर शेयर करूंगी। तो अभी दिखाते हैं ये शुगर का ही इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर, ये भी बहुत अच्छा है। उस वक्त मैं इसका टेस्टर को भी यूज की थी। इसका भी प्राइस मुझे अराउंड पड़ा, मैं बताती हूँ एक सेकंड, यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन नहीं है, बट हाँ आई थिंक इसका भी प्राइस वैसा ही है, हाँ 699 मतलब 700। तो आप देख लो 700-800 का ऐसे प्रोडक्ट, मतलब कोई बात नहीं, चलता है मेरे लिए क्योंकि हर लड़की को मेकअप करना पसंद है, मेकअप का प्रोडक्ट खरीदना पसंद है, तो मेरे लिए दिस इज वर्थ ऑफ मनी। मैंने कोई पैसे का वेस्ट नहीं किया है, मैं जो भी खरीदी हूँ अपने लिए खरीदी हूँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ली हूँ। तो ये इल्यूमिनेटिंग क्रीम क्या होता है, मॉइस्चराइजर जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करो ना, तो मेकअप के पहले स्किन पे हल्का सा वो लाइट सा आपका हाईलाइटिंग वाला चमकेगा आपका फेस, तो मेकअप भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं वो ली थी। चलो तो ये लिपस्टिक है, ये भी शुगर का ही मैं ली थी। अब क्रेयॉन का, शुगर का हर एक लिपस्टिक का ही प्राइस है 699-799, तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 699 या 799 आई गेस। तो ये यही शेड को मैं अभी अप्लाई भी करके हूँ, ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड पे है, तो ये बहुत अच्छा मतलब जाता है फेस पे, हर एक कॉम्प्लेक्शन पे ही जाएगा, तो डेफिनेटली इसको एक मैं बोल सकती हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलो अभी दूसरा दिखाते हैं, ये मैं ली हूँ, ये भी शुगर का ही है देख लो। तो ये मैं ली हूँ प्राइमर, हाँ शुगर का प्राइमर, क्योंकि मेरे पास, मैं लास्ट थोड़ी देर में दिखाई थी ना कि मेरे पास कोलो बार का था जो मैं बहुत पहले ली थी, तो मैं ये छोटा सा प्राइमर ली हूँ। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे शुगर का प्रोडक्ट पसंद है, मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं इसको यूज की हूँ और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सा आपके स्किन पे एक प्राइमर लगाने पे एक अच्छा सा स्किन स्मूथ हो जाता है इंस्टेंट, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इसका भी प्राइस अराउंड वैसे ही 700-800 का तो था ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे, हाँ नहीं नहीं सॉरी वेरी सॉरी, ये 499 का था, मतलब 500 का था। तो ये भी महंगा है बट अच्छा है, डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सको तो मैं जरूर बोलूंगी इसको यूज करो। तो अभी दिखाते हैं और क्या मैं ली हूँ, मैं अपना पूरा जेब को किस तरीके से ढीला की हूँ मैं दिखा रही हूँ। तो ये शुगर का छोटा सा क्यूट सा कुछ है, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट ये भी कोई यूनिक सा ही चीज होगा जो मैं खरीदी थी। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ क्या था। हाँ ओ अच्छा, ये तो शॉर्पनर है, ये मैं खरीदी नहीं थी, मुझे ये फ्री पे मिला था, तो पता नहीं यहाँ पे आ गया कैसे। तो हाँ मुझे दो शॉर्पनर फ्री पे मिला, ये भी किसी एक और के साथ ही मिला है मेरे को, उस वक्त फ्री में ही दिया गया था, तो अच्छा ही है, काम आ जाता है। और अच्छा चलो इसी के साथ एक और चीज दिखाते हैं, ये मैं लिपस्टिक खरीदी थी शुगर का ही, जो 3 शेड एक साथ दिया गया था, और इसका प्राइस 800 या 900 का था समथिंग, सॉरी, इसका प्राइस 1799 मतलब 1800 के आसपास। तो ये मैं खरीदी थी, इसमें 3 शेड एक साथ दिया गया था, तो मैं वो शेड दिखाती हूँ। यहाँ पे तो दो ही, नहीं यहाँ पे दो ही शेड है, जो ये एक शेड मैं ली थी, ये आई थिंक थोड़ा सा वो आपका पर्पल, इस डीप पर्पल शेड है, और ये है यहाँ पे पिंकिश शेड। तो आप ना इसको कोई ब्लैक कलर का ड्रेस या हॉट पिंक कलर का ड्रेस के साथ आप इसको जरूर से जरूर कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वो भी था, और इसके साथ मेरा नहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे शुगर की चीज़ों से इतना प्यार हो गया है कि देखो मेरे पास सिर्फ शुगर और शुगर ही है,
तो फिर से मैं दिखाती हूँ, ये दो लिपस्टिक्स मैं ली हूँ, दोनों ही क्रेयॉन लिपस्टिक्स है। तो दोनों का प्राइस ही अराउंड 799, 799 मतलब 800, अब 800 करके ही पकड़ो तो 800, 800, 1600 का में ये दो लिपस्टिक। तो मैं इसको भी, ये है चॉकलेट शेड और ये मुझे पर्सनली, मेरे पास एक भी नहीं था तो मैं सोची मुझे एक लेना चाहिए, कोई भी एक ड्रेस के साथ ऐसा एक शेड बहुत अच्छे से जाएगा। और ये है मजेंटा शेड, ये देखो, और ये एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है। तो ये मेजेंडा शेड है तो अच्छा है, ये भी दिखा देते हैं एक बार, ये देख लो। तो सारा शेड्स ही बहुत पसंद आया है मुझे, और ये लास्ट में दिखा रही हूँ, इसके बाद भी है बट इस बॉक्स के लिए ये लास्ट है। तो ये मुझे 399 का पड़ा था, ये भी बहुत क्यूट सा लिपस्टिक है, मैं अभी इसको आपके सामने ही ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी शुगर का ही है जो मैं ली थी, और ट्रस्ट मी आपको ना, मैं इसका पैकेजिंग ओपन नहीं की हूँ, ये मुझे याद है 399 का पड़ा मुझे ये वाला, ये भी लिपस्टिक ही है और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ये ना आपको इसके पैकेजिंग से प्यार होगा और इसके शेड से तो प्यार होना ही होना है क्योंकि ये बहुत अच्छा शेड है। तो मैं भी इसको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि मैं इसको ओपन नहीं की थी उस वक्त, उसका टेस्टर देख के मैं इसको परचेज की थी। तो ये देख लो कितना क्यूट सा लिपस्टिक है, मैं फर्स्ट टाइम इस लिपस्टिक को परचेज की हूँ, और मैं ना, मेरा कोई इरादा नहीं था इसको लेने का, बट इसको देखने के बाद मैं बोली कि इसको तो लेना ही लेना है, इतना क्यूट है, मैं डेफिनेटली इसको यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ना इसको बचा के रखना है अपने पास। बट ये पैकेजिंग देखो कितना क्यूट, आप कोई, आप अपने कोई फ्रेंड को भी बर्थडे गिफ्ट पे ऐसा एक लिपस्टिक दे सकते हो। तो यहाँ पे शुगर भी लिखा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं दिखा देती हूँ लिपस्टिक कितना छोटा है। तो इस तरीके से इसको ओपन करना होता है, और यहाँ पे ये छोटू सा एक ब्रश और ये लिपस्टिक है इसमें आ जाता था, उसको अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे इसको अप्लाई नहीं करना। इसका शेड भी बहुत अच्छा है, एकदम डीप रेड कलर का शेड है। तो हाँ, मैं अगर इसको अप्लाई करूँ तो मैं इसका एक नया खरीद के रखूंगी क्योंकि मैं ना इसको अपने से दूर करना ही नहीं चाहती। तो हाँ, मुझे तो ये पसंद आया, और यहाँ पे बहुत सारा चीज है। तो मैं जो जो अभी बोली थी वीडियो पे कि वो 7000 का प्रोडक्ट क्या था जो मैं ली हूँ, मैं वही दिखाऊंगी, तो और मैं ज्यादा दिखा नहीं सकती। वैसे तो और ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ लिपस्टिक्स है, मेरा लिपस्टिक्स कलेक्शन इस पे भी है, सेम लिपस्टिक्स का ही कुछ है। तो मैं मेरे नेक्स्ट एक वीडियो पे बना के दिखाऊंगी माई ह्यूज लिपस्टिक्स कलेक्शन, तो अभी के लिए इतना ही। तो ये देख लो, ये वो लिपस्टिक क्यूट सा, मुझे तो ये इससे बहुत प्यार हो गया, तो मैं इसको डेफिनेटली अपने से दूर नहीं करने वाली। और इसी के साथ यहाँ पे तीन शेड्स है जो मैं अभी दिखाऊंगी, शुगर का ही है। उसके पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये भी मैं ली थी शुगर का, टाइम टू शाइन लिप ग्लॉस। ये तो यहाँ पे ये लिपस्टिक से है चारों, जिसमें है ये दो लिपस्टिक्स और ये दो है लिप ग्लॉस। अब लिप ग्लॉस का ना, आप दो तरीके से लिप ग्लॉस को यूज कर सकते हो, एक तो आपका हो गया कि कोई लिपस्टिक के ऊपर ऊपर अगर आप ये लिप ग्लॉस को अप्लाई करते हो तो लिप्स के ऊपर वो ग्लिटरी और एक शाइन सा जो बात आता है ना वो आएगा। बट अगर आपको लगे कि मुझे लिपस्टिक यूज नहीं करना है, लिप्स पे कुछ सिंपल रखना है को, बट मुझे वो शाइन भी चाहिए, तो आप लिप ग्लॉस को यूज कर सकते हो। तो पहले मैं ये लिप ग्लॉस दिखाती हूँ कैसा है, फिर मैं ये दो लिपस्टिक्स दिखा दूंगी। तो सबसे पहले ये ग्लिटरी वाला दिखाते हैं, इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड, इस वक्त तो पता नहीं, आई थिंक डब्बा इधर ही होगा, इस वक्त हाँ इसका भी वैसा ही था, 600-700 रुपए ही पड़े थे मेरे को। तो ये प्रिंसेस अरोरा, इसका शेड नंबर है 4, 10, 10 शेड है प्रिंसेस अरोरा। तो ये है वो कलर, देख लो, मतलब आप दूर से देख नहीं सकते हो बट जस्ट लुक एट द शाइन, बहुत ज्यादा शाइन आ जाता है फेस पे। और ये ना आप खा भी सकते हो मेरी तरह, क्योंकि थोड़ा वो शुगर ही होता है तो मीठा मीठा लगता है। सॉरी, ये मजाक था, बट हाँ मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूंगी, बहुत 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 अच्छा है। तो इसके बाद अब चलो, ये को मैं मेरे लास्ट ब्लॉग पे शेयर भी की थी जब मैं इसको मूवी मूवी देखने गई थी, उस पे मैं इसको वेयर भी की थी। तो ये भी पर्पलिश सा है बट इस पे वो ग्लिटरी वाला बात नहीं है, एकदम लाइट सा है बट शाइनिंग आपको वैसा ही मिलेगा। तो ये भी अराउंड वही 500-600 का ही पड़ा था, तो अच्छा था, वर्थ ऑफ मनी, नॉट वेस्ट ऑफ मनी। अब चलो, ये दो लिपस्टिक के साथ आज का वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे मेरा दूसरा दूसरा बहुत सारा पुराना लिपस्टिक्स है जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे शेयर कर दूंगी, इस पे भी वैसा कुछ नहीं है।
इस पे एक है, मैं अभी दिखा पहले दिखाई देती हूँ। ये मैं बहुत बचपन में मैं इसको ऑर्डर की थी नायका से। ये किस लिखा है देखो, कितना सुंदर सा ये लिपस्टिक सी है सारा। तो ये सारे न्यूड शेड्स है, तो मुझे कभी भी अगर न्यूड सा कुछ शेड यूज करना होता है तो मैं इसी को यूज करती हूँ, यही पैलेट। तो मुझे ना ये अच्छा लगा था उस टाइम और मैं इसको अभी भी यूज करती हूँ। तो अभी चलो दिखाते हैं, ये दो शुगर का लास्ट लिपस्टिक और इसके साथ आज का वीडियो को करेंगे एंड। तो ये है दोनों में से एक है मजेंडा, डीप मजेंडा कलर पे, क्योंकि मेरे फेस पे ये मजेंडा कलर बहुत ज्यादा जाता है तो मैं इसको यूज करती रहती हूँ। तो ये भी मेरा एक अच्छा परचेज है जिसका प्राइस, और इसको मैं बहुत ज्यादा यूज की हूँ देखो, जिसके कारण ये खत्म हो गया है। तो इसका भी प्राइस 799 का था। और यहाँ पे ये है रेड, बट वो चेरी रेड जो होता है ना वो रेड है, तो ये भी मुझे पसंद आया बहुत ज्यादा, देख सकते हो। तो ये भी प्राइस अराउंड 799 था। तो हाँ, इसी के साथ आज का जो मेरा मेकअप कलेक्शंस है जो जो मैं शेयर की हूँ मैं दिखा दी हूँ। तो या डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाना, इतना आसान नहीं है यूट्यूबर बन जाना। तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय।